साथियों, नवीन एग्रो फार्म का ये दूसरा वीडियो है। आप लोग का मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे। आइए दिखाता हूँ फार्म पे मुर्गी और मुर्गे का पालन कैसे कर रहा हूँ। आइए दिखाता हूँ, मैं आगे सामने बाड़ा दिखाई दे रहा मुर्गी का, मैं वहीं आपको दिखाता हूँ कैसे मुर्गी का पालन हो रहा है। आइए साथियों, मैं ले चलता हूँ आपको अपने देसी मुर्गा पालन में। ये बाड़ा है, आपने पहले देख चुके हैं, पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। ये मेरा जो है 5 बिस्वा का करीबन 6800 स्क्वायर फीट का ये जो है बाड़ा है, ये मैंने बकरी पालन और मुर्गी पालन करने के लिए बनाया है। ये फार्म है मेरा, ये करीबन 10x12 का ये है मुर्गी पालन का फार्म। इसी में मैं मुर्गियां रखा हूँ, देसी मुर्गा मुर्गी। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। साथियों, ये मेरा देसी मुर्गा पालन है। ये छोटा सा कमरा बनाया हूँ, फार्म बनाया हूँ, 10x12 का ये कम करीबन है। तो अभी मैं इसको फ्री रेंज में छोड़ूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे देखिए ये देसी मुर्गा पालन किया हूँ मैं। साथियों, मैं बकरी पालन भी स्टार्ट करना है मुझे, इसलिए साथ साथ मैं उनके साथ साथ मैं ये मुर्गा मुर्गी भी रख दे रहा हूँ। आप देखिए, करीबन 1 हफ्ते हो गए मुझे ये जगह जगह से कलेक्ट करके लाए हुए। सब जगह से मैं पूरे गांव में, इधर बाबतपुर एरिया बनारस में, कई जगह करीबन गया, आसपास के 20-25 किलोमीटर तक गया, जहाँ जितना मिला 1, 2, 3, 4, 5 वहाँ वैसे कलेक्ट कर करके मैं लाया हूँ। अभी कई जगह के मुर्गे मुर्गी टोटल इसमें 30 है, अभी फ़िलहाल इसमें 30 मुर्गा मुर्गी हैं। तो अभी मैं 30 मुर्गा मुर्गी से स्टार्ट किया हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, मैक्सिमम 100 की संख्या रखनी है बस, वही मेरा उद्देश्य बकरी पालन है, उसी में साथ साथ जितना हो जाए। देखिए साथियों, इनको पीने का व्यवस्था ये है, आप देख सकते हैं ये पानी रखा हुआ अपना मुर्गा मुर्गियाँ पी रही हैं। देखिए अभी सुबह का समय है, सुबह का समय है, सुबह सुबह मैं आता हूँ। वैसे तो आदमी रखा हूँ यहाँ पर देखभाल करने के लिए, लेकिन सुबह सुबह मैं आता हूँ, सुबह शाम आता हूँ, देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अभी इनको बैठने के लिए मैंने एक बांस लगा दिया है। अभी दिन में नीचे दौड़ा करती थी ये सब। ये देसी मुर्गा मुर्गी जो होते हैं, हमेशा इनको जगह चाहिए होता खेलने के लिए, तो ये जगह था, लेकिन ये दिन भर दौड़ते रहते थे, इसी में दौड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे। और कुछ मुर्गे जो हैं आपस में लड़ना पसंद नहीं करते तो भागते थे, तो उनके लिए मैंने एक बांस लगा दिया। आप देख रहे हैं ये बांस लगा दिया है। तो अब इस पर बैठते हैं, इस पर बैठते रहते हैं। देखिए अभी क्या करते हैं, ज़मीन पे मैं पानी तो रखता हूँ, तो पानी तो ज़मीन पे पीते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, लेकिन ये जो खाने का उसको खाना है ये सब छीट देते हैं, फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो मैं अभी देखता हूँ कि यहाँ पे एक अगर एक रस्सी टाइप को बांध के अगर खाना लटकाने की व्यवस्था हो जाए तो और बेहतर होगा, तो नुकसान नहीं होगा। साथियों, मैं इसमें ट्रेनिंग तो लिया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बकरी में और मुर्गी में जानकारी नहीं है, तो जैसे जैसे करते करते सीखूँगा। अभी वैक्सीन का भी जानकारी नहीं है कि क्या वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्या दवाई भी होना चाहिए। बस सुना हूँ कि रानी खेत नाम की एक वैक्सीनेशन लगता है इन लोगों को, तो अभी मैं जाऊँगा फार्म पर, पता करूँगा कि कैसे कैसे वैक्सीनेशन होगा, कैसे क्या होगा, सब जानकारी धीरे धीरे लूँगा, किताबों को पढ़ूँगा, यूट्यूब चैनल देखूँगा। फ़िलहाल तो ये देखिए आप देख सकते हैं, हालांकि 1 हफ्ता 10 दिन हो गया, लेकिन सारी मुर्गियां खुश हैं, कोई अभी सुस्त नहीं पड़ी, कोई बीमार नहीं पड़ी है, सब खा पी के अपना मस्त है। ये देख रहे काले काले जो है मुर्गियां हैं, बड़ी खूबसूरत मुर्गियां लगती हैं। अभी अभी लाया हूँ इसको मैं, 2 दिन हो गए। देखिए इसमें 3 मुर्गी है, 1 मुर्गा है, 1 मुर्गी देखिए इसमें यहाँ बैठी हुई है, एकदम ब्लैक कलर के, बहुत खूबसूरत लग रही है, पहली वाली जो है बहुत खूबसूरत मुर्गी है ये। ये देखिए एक यहाँ है, एक वहाँ बैठी हुई है, ये देखिए जो खड़ी है, बहुत खूबसूरत मुर्गी है। चुन चुन के लाया हूँ दोस्तों, जो मिल गया बढ़िया बढ़िया चुन चुन के लाया हूँ, देखते हैं कैसे होगा इसका।
साथियों, तो अभी मैं एक पहले एक इसको बांध के लटका दूं खाना खाने देने के लिए इन लोग को, गेहूँ या कोई भी चीज़ देने के लिए मैं इसके लिए लटका दूं, फिर देखते हैं। साथियों, मुझे पता नहीं था कि इनको खाना क्या देना, इसलिए मैं शुरू शुरू में बाज़ार गया और वो मुर्गी पालन के लिए वो लेके आया चारा क्या होता क्या नहीं होता। तो ये उसने मुझे ये दिया, 1800 रुपये का एक बैग दिया है, एक बोरी दिया है, एक कट्टा दिया है, लेकिन 50 किलो का। लेकिन ये मुर्गियाँ खा नहीं रहे, देसी मुर्गा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो है वो जो फार्म वाली मुर्गियाँ होती हैं उनके लिए ये चारा खा नहीं रही। देखिए आप, ये चारा है, ये खा नहीं रही हैं ठीक से। और दूसरा, फिर उसके बाद ये खा नहीं रही थी, फिर मैंने इनको गेहूँ का टुकड़ा लाया हूँ, आप देखेंगे तो ये गेहूँ का दलिया लाया हूँ, टुकड़ा लाया हूँ, क्योंकि छोटे और बड़े दोनों हैं मुर्गी उसमें, इसलिए मैंने ये गेहूँ का टुकड़ा लाया। ये बड़े चाव से खा रही हैं, तो अभी इसके खाने का व्यवस्था बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, तो ये देखिए आप, अभी अभी मैंने इन सारे जो खाना है ये छीट रहे थे दीवार पे, इसलिए मैंने ऊपर इसका व्यवस्था बना के इसको लटका दिया। ये देखिए, ये मैंने ऊपर इसका व्यवस्था बना के, ये देखिए मैंने ऊपर इसका व्यवस्था बना के इसको लटका दिया। अब देखते हैं, ये खाना छिटाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, देसी मुर्गा होते हैं, लड़ते रहते हैं, बहुत नुकसान करते हैं खाने का। ये देखिए साथियों, यहाँ दो जगह से मैंने रोशनदान बना दिया है हवा आने जाने के लिए, और गेट इसका छोटा बनाया हूँ, मुर्गी के हिसाब से ही बनाया हूँ। हालांकि खाना खा तो रहे हैं, सामने तो सही खा रहे हैं। देखिए ये काले वाले मुर्गे बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, मुर्गियाँ हैं तीनों, काले काले एकदम खूबसूरत से लगते हैं। देखिए साथी, खाना पानी पीना शुरू कर दिए हैं। साथियों, आपको ये कैसा वीडियो लगा अपना कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ मैंने अभी नया ही वीडियो शुरू किया हूँ, तो कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं, अभी आपका स्वागत है। अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं इसमें, जब एक्सपर्ट बन जाऊँगा तो मैं आपको सुझाव दूँगा, अभी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो साथियों, मैं ये वीडियो अभी यहीं समाप्त करता हूँ, और आपको जैसा लगा वीडियो वैसा बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। सामान्य साथियों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बहुत बहुत आभार, और आशा करता हूँ कि एक नया वीडियो लेके जल्द ही मैं आऊँगा और जल्द ही यहाँ पे बकरियाँ आपको दिखाऊँगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।